लखनऊ, लखनऊ से आगे कानपुर, बुंदेलखंड, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, इतने जिलों के हिंदू बंधु भगनी इस धर्म सभा में आएंगे। कार्यकर्ता हिंदू समाज बहुत आहत हुआ है ये सुनकर कि राम जन्मभूमि के विषय से भी ज़्यादा प्राथमिकताएं सर्वोच्च न्यायालय के सामने हैं। इस एक वाक्य ने ही सारे देश को मथ दिया। सारे देश के अंदर हिंदू समाज आक्रोशित, आह्लादित एक साथ हो गया। उसी का परिणाम है ये सभा। और सारा देश ताला खुलने के बाद इस लड़ाई में सम्मिलित हो गया। 3 लाख गांव इसके साथ जुड़ गए। करोड़ों घरों में मंदिर का प्रारूप पहुंच गया। आधे से ज्यादा मंदिरों में लगने वाले पत्थर तराश कर तैयार रखे हैं। लखनऊ पीठ ने फैसला दिया कि जहां वो 3 गुंबद खड़े थे उसके नीचे एक विशाल मंदिर था, उसको तोड़ा गया, उसके मलबे से ही वो 3 गुंबद खड़े किए गए थे। अदालत ने उसको माना भी है कि ये स्थान हिंदुओं के लिए स्पेशल सिग्निफिकेंस का है, आप विशेष महत्व रखने वाले स्थान का विभाजन नहीं कर सकते। हम इस विभाजन के विरुद्ध अपील में गए। सर्वोच्च न्यायालय जिससे न्याय करने की अपेक्षा रहती वो न्याय करने से ही बच रहे। ये मुकदमा तो सितंबर 2018 में समाप्त हो गया होता, छल कपट करके इसको लोकसभा के चुनाव पर लाकर रखा गया। वो छल कपट करने वालों को हम ये बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे छल कपट को फेल करेंगे। कपिल सिब्बल अगस्त 2017 में अदालत में अचानक आते हैं, जोर से बोलते हैं चुनाव के बाद। क्या अर्थ है इसका? राजीव धवन अदालत में आते हैं, 5 महीने बर्बाद कर देते हैं कि पहले ये तय होना चाहिए कि मस्जिद इस्लाम में चाहिए कि नहीं चाहिए। ये विषय नहीं था, विषय इतना ही है कि यहाँ कभी मंदिर था या नहीं था। परंतु 13 महीने सर्वोच्च न्यायालय के बर्बाद किए गए, चालाकी पूर्वक ढंग से किए गए, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके किए गए। वो वकील भी हैं, वो आयु में भी ज़्यादा है और वो नेता भी हैं।